हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मास्टर से पहाड़ी 2050 में। सो गाइस, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया है, रेड सॉस। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, एक महीने तक आप यूज़ कर सकते हो फ्रीज़र में। तो चलिए बनाते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये फ्रेश एकदम लाल कलर के, ज़्यादा लाल कलर के ये 5 टमाटर मैंने ले रखे हैं, जैसे धो के साफ़ करके, ये देख सकते हैं आप। इसके साथ में मैंने एक गार्लिक के 4-5 क्यूब्स मैंने बारीक काटे हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्याज भी मैंने बिल्कुल आधा बारीक काटा हुआ है, और ये गार्लिक चॉप करके मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम टमाटर को काटेंगे। इस तरह से आपने साफ़ करना है पहले एक टमाटर को, ये निचला हिस्सा है वो निकाल देना है फ्रेंड्स। तो इसको हल्के हाथों से आप कैसे भी आप काट सकते हो, अगर आप कटिंग आपको अच्छी आती है, या आपको कैसे भी तरीके से आप काट सकते हो। आपको पतला काटना है, बारीक काटना है, आपको मोटा काटना है, जैसे भी काट सकते हो, सिर्फ इसको काटना है। जैसे ये देख सकते हैं आप, तो एक एक करके हम सभी टमाटर को इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो मोटे मोटे भी काट सकते हो, इसको भी सेम ऐसे ही काटना है। तो जैसे ही हमारा ये टमाटर काट के पूरा हो जाएगा, इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। इस तरीके से इसको काटना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रहे कि टमाटर अगर लाल है आपके पास तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो सॉस बनेगा वो ज़्यादा अच्छा बनेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने काट के टमाटर है जो काट लिए हैं, अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने एक बॉल लेना है, और बॉल में इसको अलग से रख देना है फिलहाल। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। सामने वाली जो घंटी है उसे दबा देना, ताकि आने वाली जो नई रेसिपीज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कि पिज़्ज़ा सॉस की जो रेसिपी है वो कैसे बनाई जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसा और होटल में कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद एक कढ़ाई लेंगे, चाहे तो आप नॉनस्टिक का भी कढ़ाई ले सकते हो, जो भी आपके पास है। उसमें हम कम से कम 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे तेल डालेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही तेल गर्म होता है, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ लहसुन। इसको हल्के हाथों से ब्राउन करना है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ प्याज, इसको भी हल्का सा ब्राउन करना है इस तरीके से। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप, तो आप आसानी से घर पे बना सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे फ्रेंड्स। मेन जो
इंग्रेडिएंट्स है ये, अजवाइन भी इसमें एक आता है फ्रेंड्स। तो अजवाइन हम इस तरीके से, अजवाइन 1 चम्मच डाल देंगे, उसके बाद हम गैस को थोड़ा सा सिम आँच पे करेंगे। और अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है फ्रेंड्स। इसके बाद आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और कम से कम 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, ताकि जो ये टमाटर है ये अच्छी तरह से गल भी जाए और मिक्स भी हो जाए अच्छी तरह से। तो इस तरीके से टमाटर को भी मिक्स करना है। और अब हम इसको ढक देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो जैसे ही 5-6 मिनट होता है, ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से पकने वाला है फ्रेंड्स। इसको हम अब थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एकदम आधा कप हम इसमें पानी मिक्स करेंगे, ताकि जो टमाटर है मसाले के साथ, नमक और मिर्ची के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए और अच्छी तरह से पक जाए फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, शुगर, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। सॉस ऐसा होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल होटल जैसा, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि घर में बनाया होगा। वापस इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे फ्रेंड्स। एकदम टेस्टी सॉस होना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि पिज़्ज़ा में भी खाने में मज़ा आए फ्रेंड्स। तो 2 मिनट के बाद अब हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ डालने की ज़रूरत तो नहीं है। इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और ये टमाटर भी लगभग हमारे गल चुके हैं, और जो हमने आधा कप पानी डाला था वो भी सूख चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे बेजिल की कुछ पत्तियाँ खुशबू के लिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास बेजिल नहीं है तो आप सेलरी भी डाल सकते हो, सेलरी के कुछ पत्ते, लेकिन अगर आपके पास बेजिल की पत्ती है तो आप बेजिल की पत्ती भी डाल सकते हो। तो हमने अब गैस को बंद कर दिया है, और अब हम इसको कम से कम 1 घंटे बाद ऐसे ही छोड़ देंगे, और 1 घंटे बाद हम इसको मिक्सर से निकाल लेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिक्सर के जार में इसको डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ पीसना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा भी जाड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ क्रीम के जैसा इसको पीसना है मिक्सर में से। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है वो एकदम रेडी हो चुका है। दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। तो आप इसको, अगर आपने आज बना दिया है, तो आप 1 महीने तक आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और धीरे धीरे यूज़ कर सकते हैं। ये 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।